अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? अच्छा जी, तो लास्ट डे इन हॉस्टल, पांचवें सेमेस्टर का एंड है, तो हॉस्टल भी छोड़ रहे हैं, 3 महीने की छुट्टी हैं। दोबारा आएंगे किसी नए हॉस्टल में, किसी नई जगह पर, नए सेमेस्टर का आगाज़ होगा। 3 सेमेस्टर पीछे पड़े हैं, ये भी गुजर जाएंगे। एंड आफ्टर ग्रेजुएशन प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट, देखेंगे क्या जलालत कब होगी, कैसे होगी। व्यू ऑफ आवर गली, दैट इज आवर हॉस्टल जो हम छोड़ रहे हैं। कुछ लोग जा रहे हैं, मतलब आज मेरे एक दोस्त भी चला गया घर, जिसके 8 सेमेस्टर पूरे हो चुके हैं, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से था। अफसोस होता है थोड़ा, मतलब उन्हें देख के जाते हुए, अच्छी दोस्ती हो गई थी। हम भी चले जाएंगे, हमारे पीछे शायद एक आधा कोई बंदा अफसोस करे या नहीं, कोई कन्फर्म नहीं है। बट हमने भी जाहिर बात है जाना तो है अपने अपने घरों को। अब माँ अब्बा की इन्वेस्टमेंट पूरी करनी है जो हमारे ऊपर कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी लाइफ में बहुत कुछ सीखा, पढ़ा और सीखा तो वैसे कुछ पूरा सूरा ही घूमना ज़्यादा। हाँ, क्विज, असाइनमेंट, प्रेजेंटेशन, क्लासेस, सुबह सुबह उठना सिर्फ अटेंडेंस के लिए जाना, वो जलालत बहुत थी। है भी अभी, वैसे अभी टाइम पड़ा है, तकरीबन साल लग जाएगा, 1.5 साल कह सकते हैं, वैसे साल ही लगेगा तकरीबन, क्योंकि समर हमारा भी लग सकता है। अब लग रहा है समर, कह रहे हैं कि साथियों वाले का लगेगा जब, मतलब अगली होगा तो हमारा लग जाएगा भाई, देखेंगे फिर क्या होता है। सामान वगैरह पैक कर लिया है, दोस्त का वेट है, वो आएगा तो चलेंगे। घर वालों की कालों पे कालें आ रही हैं, कब आओगे बेटा, मतलब कितना ऑकवर्ड सा फील हो रहा है कि जस्ट कुछ अर्सा पड़ा है। खुशी भी है, पूरे हो जाएंगे, ग्रेजुएशन कर लाएंगे, हमने भाई BS किया हुआ है, जॉब का पता नहीं मिलेगी, प्राइवेट सरकारी या कोई काम करना है, कोई नहीं पता। बस यही खुशी है कि पूरा हो जाएंगे। कभी स्कूल में थे, कॉलेज का ख्वाब, कॉलेज में थे, यूनिवर्सिटी का ख्वाब, यूनिवर्सिटी का ख्वाब पूरा हो गया, प्रोफेशनल लाइफ में कोई अंदाज़ा नहीं है। अब थोड़ा डर है, मतलब करना है, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, एक्सपेक्टेशंस का क्या करना है, जो घर वालों ने हमसे बांध रखी हैं, अल्लाह करे पूरी हो जाए, इंशाल्लाह होंगी। ये तस्वीरें, वीडियोस, रात के गुजारे कुछ पल, सुबह के यूनिवर्सिटी में आगे पीछे, सब याद है। कैरी ऑन चलता रहेगा, फिर मुलाकात होती है आपसे, दुआ करें।